पानीपत के गांव वेसर में अमन नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि गत दिवस युवक के देर रात तक घर ना लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। अमन का मोबाइल भी स्विच ऑफ था, लेकिन आज विक्की नामक एक युवक बाइक पर अमन को गंभीर हालत में उसके घर छोड़ गया। जब परिजनों ने अमन को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है और अमन के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। परिजनों ने युवक के साथ विक्की पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया, लेकिन परिजनों ने मांग की है कि जब तक हत्यारे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस द्वारा पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के साथ परिजनों की शिकायत के अनुरूप विक्की की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन विक्की अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या या मौत का खुलासा होगा। क्या मामला है, क्या आपको लगता है? मामला यू है जी, मेरे साला है जो सरगांव का है प्रवेश, इसका एक लड़का है जो जिसका नाम है अमन। ये मतलौटा 3 बजे का आधा सामान लेने के लिए और 3 बजे के बाद इसका ना तो फोन मिला ना हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली। हमें रात को सुबह 3 बजे डेड बॉडी मिली इसकी, जो कि 2 बंदे थे, 2 अन्य थे, 4 आदमियों उनसे हमारे घर के गेट पे उसकी लाश को डाल दिया और कह दिया कि अपने को संभाल लो। जो कि 2:30 बजे मेरे पास फोन आया, 4 बजे 4:15 बजे हम वीर मर्दे घर पर गए, इसको उठाया, उठाने के बाद हम सिविल हॉस्पिटल में ले आए, जो कि अब इसकी जांच चल रही है। आपको क्या लगता है सर इसमें? हमारे हत्या का संकेत लगता है जी, क्योंकि इसका लीला शरीर किया हुआ है। ये क्या करते थे, कितनी उम्र थी? ये 23 साल का था, जो BSc करके अपना खेती बाड़ी अपने बाप अपने दादा के साथ दादी के साथ काम में बट हाथ बटाता था और ये इकलौता ही सहारा था। आपको कुछ है किसी से? हमारे को सख्त ये है जी, जो इस बंदे के साथ थे, जो भी इसको ले आए हैं घर पर, जो इसको हमारे गेट के पास लटा कर भाग गए, अगर वो इतने बढ़िया होते हमारे साथ रहते। नाम जानते? नाम है मेरे को तो विक्की मतलौटा, जो मतलौटा के रहने वाले हैं। ये लड़का कहाँ के रहने वाला है? ये उसर गाँव का, ये अमन है जो, ये उसर गाँव का है। तो पुलिस का भी क्या रिपोर्ट है? पुलिस अभी आई है, अपना कार्रवाई करेगी, हमने तो उचित कार्रवाई के लिए दरखास्त भी दी है और हम प्रशासन को यही कहते हैं कि आज चलो आज हमारे साथ ऐसा अच्छे हुए, कहीं और किसी के साथ ना हुए, सख्ताई से सख्ताई कार्रवाई हो और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप क्या लगता है? मैं उसका फुफा हूँ जी। नाम क्या? मेरा नाम सुखबीर है। भैया ऐसा है, जो ये कार्रवाई की बात चल रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस प्रशासन पहले ही कह रहा है कि कोई निर्दोष ना फंस जाए, हम पहले जाँच करेंगे। हमारा लड़का एक्सपायर होया, जवान लड़का था, अकेला लड़का था, अगर वो हमारे पास नहीं है और ये जांच का विषय बना के कल को इसको तो साइड कर देंगे, किसी और को बैठा देंगे, ये कि इसका तो मर्डर ही नहीं होया। मर्डर तो किसी भी हालात में हो सकता है, उसके हो सके नाक बंद करके मार सकते हैं, उसको पॉइजन दे के मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको लाठी डंडे या गोली से ही मारेंगे। मर्डर तो मर्डर है, लेकिन जो ये पुलिस की कार्रवाई है इससे हम संतुष्ट नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं लोचा हमें लग रहा है और अभी भी ये बोल रहे हम जाँच करेंगे। सवेरे 3 बजे से हमने इनको इतला कराया है, हमारे पास आए, ये घर पे आए 5 बजे, ये गए भी हैं उसके, वहाँ ताला बंद था, वहाँ ताला बंद ही रहेगा, लेकिन ये जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम संतुष्टि नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ कि उसका मर्डर हुआ है, मैं उसके फोटो भी आपको पेश कर सकता हूँ, उसकी बाजू के ऊपर बुड़के के निशान है, उसके पैरों के ऊपर निशान है, उसके यहाँ भी निशान है, उसकी आँख पे सोई आई हुई है, वो सारा आप चेक कर सकते हैं, कहोगे तो मैं फोटो प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऊंची से उचित कार्रवाई हो और उन दोषियों से पकड़ा जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और आज शाम तक वो अरेस्ट हो, नहीं तो हम इसका पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी दाह संस्कार नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है, मैं उसका दादा लगता हूँ। हाँ जी, क्या मामला है? मामला हमारा, हम गाँव वैसर से हैं और हमारा भतीजा है अमन, जो कल 2-3 बजे के आसपास दिन में कीमत रोडे के लिए निकला था अपनी बाइक से और वो पूरी रात घर पर नहीं आता, तो 3 बजे के करीब मतलब अड्डे का एक लड़का था विक्की, जो उसको घर मृतक हालत में छोड़ के गया है। अरे हमें सवेरे के
यहाँ आ रहे हैं 6 बजे, तुम्हारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको कि जो छोड़ के गया था किसी पे आपको आशंका है हत्या की गई है या नेचुरली डेथ है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? तो ये तो अभी हत्या का वो दिख रहा है कि भी मान ले कि उसका कोई निशान भी नहीं है तो पॉइजन वाला दिख रहा है कि भी शायद उसको पॉइजन दिया गया है। अगर जो भी उसको हमारे घर पर छोड़ के गया था अगर वो साफ था तो हमारे साथ रहता तो अब तक दूर को क्यों हो गए। कब की घटना है ये? आज सुबह 3 बजे सुबह छोड़ के गया था। सुबह तीन बजे क्या उनके साथ गया होगा? हाँ वो तो क्या पता, वो तो छोड़ के गए हैं कि वो तो घर से तो कल निकला था 2 बजे निकला था कल। साथ में और भी क्या था? नहीं अकेला ही था बाइक पे। अब क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो केस की है जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर जिसने जो गलत काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में आपने शिकायत दे दी? हाँ पुलिस में हमने कार्रवाई संदेशा दे दिया था, अब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? रणबीर नाम मेरा। क्या लगता है मृतक चाचा? ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।